ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ठेका विपक्ष ने ही ले लिया हो। तभी तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य तो कभी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह तो कभी आरजेडी विधायक फतेह बहादुर तो कभी कोई और। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें, अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया था कि 15 नवंबर 2023 को समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव की एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पढ़कर वो आहत हुई थी, जिसके बाद ही महिला अधिवक्ता ने कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि पूरे विश्व के हर धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में दो हाथ पैर और आंख वाले ही बच्चे होते हैं। चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ या हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि ये तो धंधा बन गया है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। किसी जमाने में बसपा सुप्रीमो मायावती के खास रहे स्वामी प्रसाद मौर्य BJP में 5 साल मंत्री रहने के बाद सपा में शामिल हो गए थे, और सपा के नेताओं ने खुद उन्हें मानसिक डिस्टर्ब व्यक्ति तक कह दिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 में हारने के बाद सपा ने उन्हें MLC बनाया था, लेकिन महीने भर पहले उन्होंने सपा का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है।